दोस्तों, मेरे एक पहचान का स्टूडेंट है जिसने पिछला वाला नवोदय का एग्ज़ाम दिया था और उसने काफ़ी क्वेश्चन सही किए थे। लगभग उसके 98 नंबर वो अपने बता रहा था। जैसा कि उसके पेपर में टिक्स लगे हुए थे, मैंने भी उसका पेपर चेक किया था, तो लगभग उसके 98 मार्क्स आते, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। वजह क्या थी? उसने डर की वजह से किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने उससे प्यार से जब पूछा तो उसने वजह बताई। उसने कहा कि मैंने अपने रोल नंबर में दो गोले एक्सचेंज कर दिए, यानी कि उसने रोल नंबर में अपने दो गोले जो थे वो कैसे भी करके गलत कर दिए, एक्सचेंज हो गए, यानी वन की जगह ज़ीरो हो गया और ज़ीरो की जगह वन हो गया। दोस्तों, तो ऐसी गलती जो हम करते हैं, और कई बार ऐसी गलती हमारे लिए भारी पड़ जाती है। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फरुखाबाद का पूर्व छात्र, लेके आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा हुआ वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग या ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजिंग के बारे में कि किस तरीके से ये काम करती है तकनीक, क्या इसमें तकनीक प्रयोग की जाती है, कैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है और कैसे रिजल्ट रुक जाता है। दोस्तों, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने भाई को कर दीजिएगा थोड़ा सा सपोर्ट, लाल वाले बटन को कर दीजिएगा काला। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज की पूरी अपडेट, क्या है OMR शीट और क्या है OMR की तकनीक। दोस्तों, बहुत से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं देश में प्रतिदिन, और साल में तो कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं जो ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग के माध्यम से कराए जाते हैं। ये टेक्निक समय भी बचाती है और अभ्यर्थियों का डेटा भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ये ऑनलाइन का ज़माना है और हर चीज़ फास्ट होती जा रही है, हर चीज़ में समय बचाया जाता है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने जाता है तो उसे एक रेड और वाइट कलर की एक शीट प्रदान की जाती है, जिसको हम OMR शीट बोलते हैं। OMR की फुल फॉर्म मैंने कई बार बताई है, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजिंग या फिर ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग, दोनों इसकी सेम है, दोनों का मतलब भी सेम होता है। दोस्तों, ये टेक्निक काम कैसे करती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्स तकनीक है। ये मतलब आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि अलग अलग कोई चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ें साथ काम करती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जहाँ पर हार्डवेयर है OMR शीट रिकॉग्नाइजिंग मशीन, और सॉफ्टवेयर जो है जो कंप्यूटर इसके साथ में कनेक्ट किया जाता है, जिसमें सारा डेटा होता है, यानी आपके जो आपने क्वेश्चन पेपर मिला है उसके सही उत्तर और हर बच्चे का पूरा डेटा, जैसे ही उसकी OMR शीट डाली जाती है उसमें, और पूरा डेटा उस बच्चे का निकल के आ जाता है कि उसने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, और रिजल्ट भी साथ साथ तैयार होता रहता है। दोस्तों, OMR शीट रिकॉग्नाइजिंग मशीन जो है उसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ में, एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करता है। अब बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी जो कक्षा 6 में परीक्षा देने जाते हैं, OMR शीट उनको भी मिलती है। हो सकता है आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी OMR शीट देखी नहीं होगी, पहली बार जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तब आपने OMR शीट देखी होगी वहाँ पर। दोस्तों, ऐसे में गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, आमतौर पर आप सभी लोग समझते हैं कि छोटे बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ OMR में गलती होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। कभी रोल नंबर गलत हो जाता है, कभी नाम गलत हो जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो जाता है, कभी सीरीज़ गलत हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें OMR में भरनी पड़ती हैं, जो हमें शीट मिलती है उसमें भरनी पड़ती हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कौन सा सेट मिला है, आपको आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको OMR में भरनी पड़ती हैं। दोस्तों, तो आप लोगों को एक सजेशन है कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भरना आता है तो जो कक्षा में ड्यूटी कर रहा हुआ अध्यापक होता है आप उससे पूछ सकते हैं, पूछने में कोई भी मना नहीं होता है, और हर अध्यापक जो है ना पहले इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप इस तरीके से भरेंगे। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो सबसे पहले आप जो है देख लें, सबसे पहले आप उससे पूछ लें, एक एक स्टेप वाइज आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी साल की मेहनत को बर्बाद कर देती है। आप कितना भी अच्छा पेपर करके आएंगे, आप 100 में से 100 का सही करके आएँ,
लेकिन अगर आपकी OMR में कुछ भी गलती है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका रिज़ल्ट कहाँ गया, क्योंकि जब भी आप रिज़ल्ट देखते हैं तो नाम तो आप अपना डालते हैं उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, नंबर आपको नहीं पता लगता, सिर्फ आपको अपना नाम पता लगता है कि अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है तो आप वहाँ पर नाम होगा, आपको अपने नंबर भी पता नहीं लगते। नंबर सिर्फ और सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हम कितना सही करके आए हैं और इसी रेंज के हिसाब से हमारे नंबर होंगे, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपका रिज़ल्ट शो नहीं होगा। दोस्तों OMR एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर गलती की गुंजाइश हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देखो वीडियो में देख पा रहे हैं कि OMR शीट कितने सलीके से काम करती है, OMR शीट रिकॉग्नाइजिंग मशीन कितने सलीके से काम करती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि OMR शीट जो करेक्शन की स्पीड होती है, ये मशीन के हिसाब से हर तरीके की मशीन आती है, छोटी भी आती है बड़ी भी आती है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन मैं अगर एवरेज स्पीड की बात करूँ कि एक OMR शीट कितनी कॉपी चेक करती है एक घंटे में, तो 5,000 से 6,000 कॉपीज़ जो है वो चेक कर देती है OMR शीट मशीन एक घंटे में। यानी OMR ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग जो मशीन है वो एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर पर आधारित होकर काम करता है, जिसकी स्पीड 5,000 से 6,000 कॉपी पर आवर होती है। और दोस्तों ये ऐसी तकनीक है जहाँ पर गलती की गुंजाइश करना बेईमानी है, वो एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है और जहाँ पर हम गलती करते हैं और हमारी गलती की वजह से हमारा ही रिज़ल्ट रुक जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। दोस्तों मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह है कि जब भी आप कोई ऑप्टिकल मार्क्स रीडिंग आधारित परीक्षा में बैठें तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सही से ज़रूर भरें, फुल तौर पर आप ये प्रूफ अपना ले लें अपने साथ में कि हमारी भरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी गलत नहीं है। दोस्तों आपको कभी नुकसान नहीं होगा, अगर आप गलती करके आएंगे तो आपको ही नुकसान होगा और आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा, आप ना तो पास हो पाएंगे, आपका तो पता ही नहीं लगेगा कि रिज़ल्ट कहाँ गया। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी सलाह भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एकदम से सही करेक्ट होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो एंड करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।